बॉर्डर के दोनों तरफ गौरव ने एशियाई टीमों को धोकर रख दिया। अगर ये कहा जाए कि आज एशियाई क्रिकेट पर गौरव का राज था तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं हूं सईद शेख और आपको वेलकम करता हूं। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच कराची में खेला गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में फुल हाउस था और स्टेडियम बिल्कुल भरा हुआ था। ऐसे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 158 रन बनाए। एक मौके पर 10 ओवर में पाकिस्तान के तकरीबन 81 रन थे और एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन उसके बाद खिलाड़ियों की लाइन लग गई। जो बात आज बच्चे बच्चे को पता है वो बात टीम मैनेजमेंट को और बाबर आजम को और हमारे सिलेक्टर्स को समझ नहीं आ रही। टीम में मिडिल ऑर्डर नाम की कोई चीज भी नहीं है। मिडिल ऑर्डर के नाम पर हमने हार्ड हिटर्स भर्ती कर रखे हैं। व्यूअर्स, जब तक हमारे पास टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं होंगे हम कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। जो ऐसे खिलाड़ी हों जो अपने रिस्ट यूज करें, जो कलाई का इस्तेमाल करें, जो सिंगल डबल्स लें, जो वी में क्रिकेट खेलें, वो खिलाड़ी हमें चाहिए होंगे। मिडिल ऑर्डर में दो कम से कम ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो रन बॉल स्कोर भी करें और हार्ड हिटिंग भी करें, इसके साथ साथ वो टेक्निकली साउंड भी हों। इफ्तिखार अहमद ने आज कुछ अच्छा खेल पेश किया, उन्होंने हार्ड हिटिंग की, लेकिन क्या हुआ, दो छक्के मारने के बाद वो बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए। व्यूवर्स, अगर कोई इस जगह स्लॉट पर कोई टेक्निकली साउंड बैट्समैन होता तो वो स्कोर ज्यादा कर सकता था और गैप में शॉट खेलकर स्कोर बना सकता था। इसके अलावा हैदर अली को भी टीम में आज शामिल किया गया था। इसके अलावा शान मसूद भी आज टीम में शामिल थे। शान मसूद जो के ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनको बजाय वन डाउन पर खेलने के उनको पांचवें नंबर पर खिलाया गया और वो भी अपनी विकेट देकर चले गए। इस तरह पाकिस्तान को ये बड़ा मजमूआ तरतीब देने में नाकाम रहा। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उनके कायम मकाम कैप्टन मोइन अली को फुल क्रेडिट जाता है जिन्होंने जॉस बटलर की गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा कप्तानी की। उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की क्योंकि वो पाकिस्तान में शायद पहली दफा खेलने आए थे। इसके अलावा एलेक्स हेल्स ने सारा शो अपने नाम कर लिया, उन्होंने 52 रन बनाए। आज मोहम्मद रिजवान ने भी 50 स्कोर की, इसके अलावा बाबर ने भी 31 रन बनाए। लेकिन बात वही है, जब ये दोनों बैट्समैन आउट होते हैं तो पीछे मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। बहरहाल ये पाकिस्तान का पहला मैच था। पोस्ट मैच सेरेमनी में बाबर आजम ने कहा कि हम मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप के लिए कोई अच्छा कॉम्बिनेशन तरतीब दे सकें। दूसरी तरफ इंडिया की टीम भी ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को बहुत धोया और उसके बाद वो अकड़ते हुए मैदान से निकले। भारतीय जो मुबसरीन हैं और जो कमेंटेटर्स हैं वो भारत को जिता कर बैठे हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाजी पलट दी। उन्होंने इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया और इंडिया हार्दिक पांड्या को देखता ही रह गया। इंडिया को चाहिए कि अपने बॉलिंग लाइन में अच्छे बॉलर्स लेकर आए, मोहम्मद शामी जैसे बॉलर्स को लाएं और उनकी इज्जत भी करें ताकि उन्होंने वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म करना है, वरना जो इंडिया की बॉलिंग लाइन है इसको वर्ल्ड कप में भी मार ही पड़नी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कॉमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।